What's up, everyone? It's me, Harsh. And it's me, Gunark. And welcome to the Teenage Ready To. जैसा कि हमने बोला था कि इतना दुखी हो क्यों बोला तूने? Anyway, welcome or welcome back to the Teenage Burrito. Hello, everybody. जैसा कि हमने बोला था कि हम काफी consistent रहेंगे. तो हाँ, और हम हैं. रात के 11 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये. और आज हम बात करने वाले हैं कुछ conspiracy theories की, because हमारे पास topics नहीं है. हम legit आधे घंटे से ये discuss कर रहे हैं कि कौन से topic पे discuss करना है, और हम totally blank हैं. और हमने सोचा कि हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारी हैं. क्लिकेबल बोलते हैं, क्लिकबेट बोलते हैं, दोनों ठीक है. जब तक कोई क्लिक कर रहा है तब तक मैसेज अक्रॉस हो जाता है. सो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने सोची हैं बात करने के बारे में, वो है सबसे पहले बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग गायब हो गए उधर. और दूसरा है मून लैंडिंग के बारे में, बिकॉज मेरे को लगता है कि मून लैंडिंग फेक है, बट हर्ष को लगता है कि मून लैंडिंग हुई हुई है. सो ये अच्छी डिबेट होगी. डिबेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है उसके बारे में, बट हाँ ओपिनियटेड रिव्यूज बोल सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो लाइक बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तेरे को पता कैसे चला था? लाइक आई गेस जनरल नॉलेज की बुक थी 5th क्लास में, और 7th आई डोंट नो क्लास स्टैंडर्ड नहीं याद. तब से लोग गायब हो रहे हैं. तब से लोग गायब हो रहे हैं. हाँ, तो 7th क्लास में शायद जनरल नॉलेज की बुक थी, उसमें देखा, फिर घर जाके थोड़ा ऐसे ही गूगल वगैरह कर लिया, बस वहीं से पता चला. क्या एपिक सी चीज थी यार, जिस दिन पता चला था मतलब लिटरली हो जोड़. आई मीन काफी फैसिनेटिंग है, लाइक एज इन मर नहीं रहे, डिसअपीयर हो रहे. डिफरेंस पता नहीं, वो टाइम ट्रैवल करके कहीं और पहुंच चुके हो या फिर वो लाइक पीछे या आगे गए हो. लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है टाइम ट्रैवलिंग, ठीक है, और लाइक लोग मरे नहीं है. और मेरे को बहुत शिट लगता है टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल कितना फैसिनेटिंग चीज है, लाइक हां एज अ कितना कूल है. फाइन कूल है भाई, एज अ एज अ स्टोरी देखो तो बहुत ज्यादा. हम सब ने एवेंजर्स एंड गेम एंजॉय करी करी ना, क्योंकि वो एक स्टोरी है. एंड गेम नहीं, बैक टू द फ्यूचर भाई. बैक टू द फ्यूचर देखी तूने? नहीं, मैं मूवीज थोड़ी कम ही देखता हूं. बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं भाई, बहुत अच्छे हैं. पहली जो पहली मूवी थी नेटफ्लिक्स की जो लाइक मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे. एनीवे, सो उस टाइम से लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया था टाइम ट्रैवल और इस बारे में. एंड मेरे को बर्म्यूडा ट्रायंगल काफ़ी टाइम तक नहीं पता था, जब एक रिसेंटली इंडियन प्लेन, लाइक इंडियन प्लेन नहीं, एज इन लाइक स्टार्ट हुआ था, इंडिया से ट्रैवल करके कोई प्लेन US जा रहा था और वो डिसअपेयर हुआ था. तब ऑब्वियसली इंडियन न्यूज़ तो हैं अपनी हर जगह. टाइम पे कुछ फ्लाइट A3 कुछ तो आई डोंट रिमेम्बर द नंबर. टाइम पे लाइक मेरे घर पे भी बात बात हो रही थी इस बारे में, एंड मैं तो छोटा ही था, लाइक 9th 10th 9th 8th 9th में. सो लाइक उस टाइम पे लाइक मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, लोग गायब हो गए, ऐसा थोड़ा ना होता है. मिले नहीं वो लोग. तो फिर मैं सोचा आ जाएंगे एक दो दिन में कहीं, मतलब यार उस टाइम पे मैं क्या ही बोलता. मेरे को सुनने वाला भी नहीं होता. तो मैं देख रहा था कि तो मतलब उस टाइम से काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा मेरे को कि यार है. तो हमने लाइक हमने एज इन हर्ष ने मेरे को एक वीडियो भेजा था देखने के लिए कि ये देखना बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में. तो वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, क्योंकि लाइक उसमें काफी सारे इंस्टेंसेस बताए थे जिसमें लोगों को लगता था कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल में लोग जो गायब हुए हैं वो लाइक एक यू नो अननेचुरल पावर की वजह से गायब हुए हैं. बट लाइक उस बंदे ने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों गायब हुए हैं, या फिर क्या हो सकता है कि वो पानी में गिरे हुए हो, या फिर क्या हुआ. टू बी ऑनेस्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता परफेक्टली, लाइक लॉजिकली, या फिर उसके अराउंड फिर कॉन्स्पिरेसी मतलब थ्योरीज इतनी बन जाती है, सब अपना अपना वर्जन बना लेते हैं. सुपरस्टिशन पता है ना हमें, वो मतलब इंडिया में रहते हैं किसको नहीं पता. लेजिट सेम चीज है दोनों, लेजिट सेम चीज है, सब अपना अपना वर्जन बना लेते हैं. और लोगों के स्टोरी जो भी है ना सेटिस्फाई होनी चाहिए वो. तो अगर वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, लाइक लाइफ ऑफ पाई देखी तूने? लाइफ ऑफ पाई में जब वो राइटर उसके इरफान खान के घर पे आते हैं और वो उसे स्टोरी सुन रहा होता है,
तो लास्ट में इरफान खान क्या बताता है कि मैंने उन्हें दूसरी स्टोरी बताई, जो जापनीज क्रू था उनको दूसरी स्टोरी बताई, क्योंकि वो उस स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उन्होंने लेजिट ये चीज बोली थी कि गिव मी अ स्टोरी दैट आई कैन बिलीव इन। तो जब तक कोई ट्रू ट्रू जब ट्रू जब तक कोई बंदा किसी स्टोरी से मतलब परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं हो पाता ना, तो वो फिर अपने वर्जन बनाता रहता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट्स प्रीटी मच अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो बट काफी इंटरेस्टिंग है ये, टाइम पास के लिए, फन के लिए चीजें मिल जाती हैं सुनने को, देखने को। बट आई मीन सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं ऑब्वियसली, लाइक मेरा भी अलग ओपिनियन, तेरा भी अलग ओपिनियन इस बारे में. बट एट द एंड ऑफ द डे ये काफी ज्यादा वो हो जाता है कि लाइक कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ये, कि लाइक यू नो लाइक थोड़ा वही सा ना, फैसिनेटिंग तो लॉजिक है कि नहीं लाइक मिलता तो फिर फैसिनेशन का चांस कहीं ना कहीं रहता है कि ये मतलब कैसे हो रहा है। भाई लाइक ऑब्वियसली अलग, हम डे टू डे बेसिस पे ही नहीं देखते कि गाड़ी जा रही है घर से स्कूल और गायब हो गई. लाइक ऐसे नहीं देखते हम ऑन अ डेली बेसिस. लाइक अगर आप दिल्ली विल्ली में हो तो फिर हाई जाएगा घर आके मारे हुए चंडीगढ़। हाँ ये नहीं बोल सकता मैं, बट लाइक ठीक है. तो हाँ, बट ये काट देना है, काट. सो लाइक हम डे टू डे बेसिस पे ऑब्वियसली ये विटनेस नहीं करते हैं. कभी कभार ये होता है तो लाइक फैसिनेटिंग ऑब्वियसली लगता है कि एज इन प्लेन पूरे गायब हो रहे हैं यार. प्लेन में लाइक 300 400 लोग गायब, किसी को उनके फैमिली को नहीं पता कि वो लोग क्या कहाँ गए, क्या जिंदा है नहीं है. एंड जस्ट डिसअपेयर होना इज फैसिनेटिंग एंड इट्स शॉकिंग. लाइक हम लोग डे टू डे बेसिस पे नहीं देखते यार. लेट्स बी लाइक फ्रैंक कि लाइक एक बंदा है कि लाइक कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ, That person dies, or like you know, like dies. Yeah, that's the end. And you don't know ki like that if that person is dead or not. You know, like कहीं ना कहीं होप that रहती है person's कि disappear. ही माइट कम। वही, that is more like as in like ये frustration होती है कि like भाई वो पता ही नहीं है family वालों को कि क्या हुआ, क्या है ये. ठीक है, like कि लाइक ये बेचारा वो बंदा जिंदा है या नहीं है. बिकॉज ये बहुत सारे लाइक लोगों को भाई ट्रॉमा हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं जिनके फैमिलीज में, जिनके साथ ये हुआ हुआ है, वही लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आगे बढ़ाते हैं. तो लाइक ऑब्वियसली बात है, अगर लाइक हमारे साथ ये कभी हो ना, बट अगर कुछ हो हमारे नोन में भी कि अगर किसी के साथ हुआ हो तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि हुआ क्या, कि लाइक क्या हुआ. जैसे सिमिलर चीज ऐसी लाइक लोग अभी भी बोलते हैं कि ये लाइक थोड़ा सेगमेंट हम बना सकते हैं दूसरे पार्ट के लिए, वो है कि लाइक मून लैंडिंग जो थी वो लगता है कि फेक है. ठीक है, लाइक अभी तक मून पे लाइक पहुंचे होंगे, बट लाइक वो जो फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन था, वो लोग जो पहुंचे थे वो एक्चुअल में नहीं पहुंचे थे. वो फोटोज एक होक्स है जो कि नासा ने डेवलप करवाई है एक पूरा प्रोसेस करवा के. और इसके बहुत सारे रीजंस हैं. तेरे को क्या लगता है? मेरे को भी लाइक आई एम 50-50 ऑन द चांस। मैंने पहली बात तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, दूसरा लाइक अभी हम ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि तेरे को क्यों लगता है ऐसा। मैंने कुनाक से पूछा व्हाई डू यू थिंक कि ये एक होक्स है और फिर नासा ने ऐसा डेवलप कराया हुआ। तो उसने मेरे को कुछ पॉइंट्स दिए जो कि फेयर लग रहे थे, जैसे कि फुटप्रिंट्स कहाँ से आ गए, जबकि जो शू था उसका या फिर सूट का पार्ट जो भी वट एवर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, उसके नीचे कोई फुटप्रिंट्स मार्क नहीं थे। एंड एज इन हाँ, सो लाइक जो वो वॉफल प्रिंट बोलते हैं वॉफल उसको, प्रिंट राइट। हाँ. सो लाइक उसमें लाइक जो फुट था उसमें लाइंस थी, जो फोटो थी इंग्रेव, जैसे टायर में होता है ना लाइंस इंग्रेव, वैसे था वो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के लिए. बट जो एक्चुअल जो सूट की फोटो बाद में थी, या फिर अर्थ से जो फोटो, अर्थ में जो फोटो ली थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो सूट की, जो वॉक कर रहा था, तो उसके पीछे वो नहीं था, वो फ्लैट सरफेस था एकदम प्लेन. अब इसके और भी बट लाइक बहुत बोल डोंट यू थिंक कि अगर नासा एक ऐसी होक्स डेवलप कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड को पागल बनाना चाह रहा है, तो वो ये चीजें ध्यान में रखेगा। यार, उस टाइम पे लाइक उतनी ज्यादा मॉडर्न नहीं टेक्नोलॉजी, मतलब थी इतनी कि लाइक लोग ऑब्वियसली स्पेस में जा रहे हैं अगर वो बिलीव करा रहे हैं. और क्योंकि बहुत सारे फेल यार, रीजन इसका ये भी था कि हाँ इससे स्टेरिक्स पहले नासा
बहुत सारे, नासा ने बहुत जो मेजर फ्लाइट थी उससे पहले बहुत सारे ट्राइज हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, अगर इफ यू नो व्हाट आई मीन, लाइक राइट, यू इससे पहले बहुत सारे, बहुत एक्सपेंडिचर हुआ था यूएस गवर्नमेंट का इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत सारे ट्राइज हुए थे, लोगों की लाइफ एट स्टेक थी. सो लाइक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मे बी आउट ऑफ यू नो आउट ऑफ कि लाइक फ्रस्ट्रेशन वी हैव टू डू बेसिकली समथिंग. स्पेस रेस थी, कौन सबसे पहले जाएगा। तो स्पेस रेस भी ट्रू, दैट्स ट्रू, हाँ वो ट्रू है, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे स्पेस रेस भी थी, एंड ऑल्सो वो गवर्नमेंट का प्रेशर, लोगों का प्रेशर कि भाई ये लोग बार बार फेल क्यों हो रहे हैं. सो वो प्रूफ करने के लिए लोगों को दिस माइट हैव लाइक बीन अ होक्स, बिकॉज लाइक जो मैंने और भी चीजें बताई थी हर्ष को कि लाइक जो फोटोज ली हैं उसमें स्टार्स नहीं है. और मैं जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ अभी, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे कि फुटप्रिंट वाला है और ये वाला है, और एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ, जैसे कि जो फोटो ली है नील आर्मस्ट्रांग की उतरते हुए, लाइक द फर्स्ट स्टेप, जब वो फेमस डायलॉग है, दिस इज अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ बिग स्टेप फॉर ग्रेट स्टेप ह्यूमैनिटी। फॉर, बिग स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी. सो ये वाली जब जो उसने लाइन बोली, जो उसने पहला पैर रखा नीचे, तब वो फोटो किसने ली? मतलब कोई और पहले गया हुआ था मून पे जिसने फोटो ली? तो आई मीन ऐसा भी हो सकता है रीटेक लिया हो, क्योंकि मैं हर चीज जो भी बोल रहा हूँ, जैसे फुटप्रिंट वाला है रीटेक फुटप्रिंट, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो फुटप्रिंट वाला सीन है वो मैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ में उनको जरूरत नहीं थी फुटप्रिंट की, बट जब वो स्पेस में पहुंचे तब उनको लाइक फ्रिक्शन के लिए जरूरत पड़ी. और दूसरा लाइक जो स्टार्स नहीं है फोटो में उसको डिनाई करने के लिए लोग बोलते हैं, उस टाइम इतने एडवांस थे ही नहीं कैमराज, लाइक हैसलबैक का कैमरा यूज करा था उनने, तो हैसलबैक का उस टाइम पे उतना ज्यादा एडवांस नहीं था कैमरा कि वो कैप्चर कर सके इतनी लाइट को जो पीछे से आ रही है. तो आई मीन बहुत सारे मतलब यू नो है आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर. सो एट द एंड ऑफ द डे अभी भी ये होक्स ही है, बट अब जाके थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया, जो कि अब क्योंकि स्पेस ट्रैवल कॉमन कर दिया है जैसे इलॉन मस्क टाइप लोगों ने, इलोन मस्क भाई अनदर लेवल तो बंदा है। वो बंदा मार्स पे भेज रहा है भाई, मार्स पे वो मैन ह्यूमन काइंड रेस स्टार्ट करना चाहता है. तो आई मीन वो अलग है, बट लाइक अभी जेफ बेजोस ने भी अपना अलग अजीब से रॉकेट शिप में उसने एक टूर लिया है, अजीब से रॉकेट नहीं, उसका खुद का रॉकेट है, ब्लू स्टार, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका. ब्लू ओरिजिन से। मैं सही में कंफ्यूज हो गया था, क्या है। टॉकिंग ऑफ ब्लू ओरिजिन्स, अगेन वो स्पेस रेस वाली बात आ गई। लाइक इतने इतने तुम्हें लगता है कि ये लोग मतलब अलग लेवल पे, लाइक जेफ बेजोस, मल्टीबिलियनेयर, और मतलब लगता है ना थोड़ा कि ये अलग लेवल के बंदे। उनके अंदर भी ये वाली ईगो होती है ना कि मेरे को पहले करना है स्पेस रेस, कमिंग टू दैट पॉइंट स्पेस रेस। क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक एक और कंपनी है जिसका शेड्यूल्ड जो वो था ट्रैवल कमर्शियल फ्लाइट का स्पेस में, वो अगले साल के एंड में था। लेकिन जस्ट बिकॉज जेफ बेजोस ने अपनी डेट अनाउंस कर दी तो वो उससे एक दो हफ्ते पहले ये काइंड जाके ऑफ आ एट द गया। एंड, हाँ ट्रू. सीरियसली लास्ट में वही चीज आ जाती है ना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वाली। हाँ ये समवॉट ट्रू है, लाइक एक्चुअल में ट्रू है, समवॉट भी नहीं, एक्चुअली ट्रू है, बिकॉज सुप्रीमेसी दिखाने के लिए दिस इज लाइक अ बिग थिंग. या इट्स ट्रू. मनी एंड पावर कैन मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा कुछ थॉट था ना। मंडे मोटिवेशन बाय हर्ष. ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी हैं. सो ये लाइक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कुछ लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जिसपे हमने टच करा, और लाइक हम बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है दुनिया में, एंड हम उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि हम रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं बोलते हो तो मत हंस यार, कम से कम। बट फॉर दिस एपिसोड दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब फॉलो जो भी है स्पॉटिफाई पे, टू द टीनेज बरीटो. बाय बाय, गुड नाइट.